हिंदी और पंजाबी फिल्मों के बेहतरीन और पॉपुलर एक्टर रंजन सहगल का निधन हो गया है। वह 36 इयर्स के थे। उनका निधन मल्टीपल ऑर्गेन फेलियर्स की वजह से हुआ है। वह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। रंजन सहगल का निधन शनिवार यानी 11 जुलाई की सुबह हुआ। साल 2020 भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए काला अक्षरों में लिखा जाएगा। साल के पहले 6 महीने में ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, सरोज खान, प्रेक्षा मेहता जैसे फिल्म और टीवी के कई पॉपुलर स्टार इस दुनिया को अलविदा कह गए। रंजन ने ऐश्वर्या राय बच्चन और रणदीप हुड्डा की फिल्म सरबजीत में अहम किरदार निभाया था। उन्होंने कई बेहतरीन किरदार निभाए थे जिनके लिए उनकी काफ़ी सराहना हुई थी। उन्होंने रिश्तों से बड़ी प्रथा, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे टीवी सीरियल में भी काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने कर्मा, माही, NRI और सरबजीत जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाया। रंजन सहगल चंडीगढ़ के रहने वाले थे और इससे उनका काफ़ी लगाव था। वह अक्सर चंडीगढ़ आना जाना करते रहते थे। उन्होंने पंजाबी फिल्म यारा द कैच अप और आतिशबाजी इश्क में भी काम किया। फिल्म यारा द कैच अप में उनके साथ काम कर चुके एक्टर जसविंदर भल्ला ने रंजन को याद कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, वह बहुत ही अच्छे एक्टर थे, वह रचनात्मकता में विश्वास करते थे। इसके अलावा रंजन पंजाबी फिल्मों और थिएटर में काफ़ी एक्टिव थे। पंजाबी थिएटर में उनका बड़ा नाम था। इतनी कम उम्र में उनका निधन होने से उनका परिवार, दोस्त और फैंस काफ़ी दुखी हैं। रंजन सहगल ने 2009 में पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।